ये ऐसा दिखेगा व्यू जो काफी बढ़िया लग रहा है कि अंदर घूमने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं। देख लीजिए जंतर मंतर का हुआ एंट्री गेट है। हाय नमस्कार, सत श्री अकाल जी, मैं शामू कुमार। मैं इस वक्त जंतर मंतर के पास पहुंच चुका हूं और आप अगर यहां आना चाहे तो यहां की लोकेशन की बात की जाए तो ये पार्लियामेंट स्ट्रीट, अगर आप मेट्रो से आए तो पटेल चौक उतर के वहां से बैटरी रिक्शा करके और यहां आ सकते हैं। तो ये है यहां आने का और मैं अभी जंतर मंतर के अंदर जाऊंगा। उसके अंदर क्या है कुछ सारे कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने को, तो हम वो सारे कुछ दिखाएंगे। लेकिन ये फ्री नहीं है, यहां पे टिकट लगते हैं। इंडियन के लिए 25 रुपये लगते हैं कैश, और अगर फॉरेन कंट्री के हैं मतलब बाहर देश का है तो उनको जो है 300 रुपये पर आदमी का लगता है। तो हम सारा कुछ अभी बताने वाले, अभी मैं टिकट लेने जाऊंगा तो आप तो दिखाए हुए कितने का टिकट मिल रहा है। तो मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, तो सारा कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ अंदर। तो चलिए चलते हैं, अभी चलते हैं टिकट लेने। अभी मैं टिकट लेने जा रहा हूँ, एक 25 वाला टिकट दे दीजिएगा। तो देखिए वो सामने जो गेट दिख रहा है वो जंतर मंतर का हुआ एंट्री गेट है, वही टिकट ले चुका हूँ। ये रहा मेरा टिकट। ये एंट्री करने के बाद देख लीजिए, ये लुक काफ़ी बढ़िया लग रहा है और देख लीजिए ये रहा जंतर मंतर का। जब एंट्री करते ही सामने ये ऐसा दिखेगा व्यू जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है कि अंदर चलते हैं और आपको सारे कुछ अलग अलग चीज़ें हम इसके अंदर जो दिखाएंगे जो देखने लायक है आपको। तो आप इस तरह वीडियो में बने रहिए। यहाँ घूमने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। देख लीजिए ये जो कितने बंदे आ रखे हैं, यहाँ पे इनने सारे फ़ोटोज़ भी लिए। काफ़ी बढ़िया लगता है यहाँ कि आपको एकदम शांति मिलेगी फील। काफ़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं, बाकी अभी थोड़ा G20 का कुछ ये है इसलिए थोड़ा कम है, बाकी यहाँ भरे भरे होते हैं लोगों से, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। ये देख लीजिए फूल भी इसी में लगाया हुआ है। जंतर मंतर का मतलब होता है यंत्र, यंत्र मंत्र सूत्र। जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वारा किया गया था। इतना ही नहीं, इन्होंने इसके अलावा उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में अन्य वेदशालाओं का निर्माण किया। काफी ध्यान रखा जाता है, देख लीजिए साफ सफाई किया जा रहा है। और इसके अंदर का दृश्य दिखाता हूँ, देखिए कैसे अंदर डिजाइन किया गया है जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। देख लीजिए कितना अच्छा डिजाइन किया हुआ है, यहां से देखने में गजब सा लग रहा है। अगर अभी तक 108 फीट का विशाल हनुमान जी का मूर्ति का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके देख लीजिए। काफ़ी बढ़िया से फूल लगाया हुआ है, देखने को काफ़ी बढ़िया लग रहा है।
ये जो दिख रहा है इसको मिस यंत्र बोला जाता है। मैं इसके अंदर जाके बताऊंगा, ये जो दो घर दिख रहा है उसके अंदर मैं एंट्री करूंगा और आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या है। तो चलते हैं। ये रहा ऊपर जाने का सीढ़ी, और इसके अंदर कुछ नहीं है, बस ऐसे डिजाइन बना हुआ है। ये रहा, और ये रहा, देख लीजिए, देखिए ये इसके अंदर का सीन है। यहाँ लाइट जल रही है, इसमें तो देख लीजिए क्या गिलहरी। तो देखिए हमने काफी कोशिश और काफी बढ़िया से एक्सप्लोर करके मैं सारे कुछ बताने की कोशिश की। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताइएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और फॉरेन कंट्री से कोई आने वाले हैं, G20 सिकानिसी का बोर्ड लगा पड़ा, काफी बढ़िया से सजाया हुआ है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह हम इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियो आप लोग को देते रहेंगे, आप लोग देखिएगा। तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।